हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDELED फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, ठीक। और डेली हम फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। अब सबसे पहला जो प्रश्न है कि TLM का पूरा नाम है, ऑप्शन ए टीचिंग लेबल मटेरियल, ऑप्शन बी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन सी टीचिंग लेबल मटेरियल। तो TLM का पूरा नाम है और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर TLM का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अगला आपका प्रश्न है कि किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी ये क्वेश्चन कई बार ही डिस्कस कर लिया है, बट हम बिल्कुल शुरुआत से राजन सिंह से बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आप इसका आंसर कर सकते हो पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य विषय की वस्तु की पूर्ण जानकारी, उसके बाद अल्प रूप पूर्ण जानकारी और फिर अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, यहाँ पर कौन सा कथन सही रहेगा, कौन सा यहाँ पे शिक्षण सूत्र लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट पूर्ण से अंश की ओर। अगला तीसरा जो प्रश्न है कि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए या किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा, ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, कोई नहीं। तो एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए या किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अगला फोर्थ प्रश्न है कि गतिविधियों के प्रकार है ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये सभी। तो गतिविधियों के प्रकार हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ये तीनों ही हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली। अगला जो आपका प्रश्न है पांचवा कि उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है, भाषा एवं गणित, बालक, दोनों, कोई नहीं। तो 100% मुझे पता है कि आप सभी को ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो याद हो गए होंगे, बट रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है, अगर आप याद नहीं करते हैं तो फिर भूल जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा एवं गणित। अगला जो सिक्स आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए, कक्षा 1 व कक्षा 2 के लिए, यहाँ पे ए या दोनों हो जाएगा, ए या बी दोनों हो जाएगा, या फिर नोनो दिस यानी कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला आपका प्रश्न है कि डॉल्टन पद्धति के जन्मदाता है जॉन डॉल्टन, पार्क हर्स्ट, फॉरवेल, कोई नहीं। तो जॉन डॉल्टन पद्धति के जन्मदाता है, तो फ्रेंड देखिए डॉल्टन पद्धति के जो जन्मदाता है ऑप्शन नंबर बी पार्क हर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला आठवां जो प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन ए स्वयं करके सीखने पर बल देना, ऑप्शन बी अधिगम प्रभावी बनाना, ऑप्शन सी शारीरिक दंड को हटाना, ऑप्शन डी ये सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी आप सभी को सो हो रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम को प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नवा प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया
अधिगम है सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया कोई नहीं, तो अधिगम है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया अधिगम है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के तीन बिंदु हैं, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक पेन विद्यालय, शिक्षार्थी श्यामपट पेन कोई नहीं, तो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के तीन बिंदु हैं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला आपका प्रश्न है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है, किसका कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करता है जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। आप सभी को स्टेटमेंट भी याद हो गया होगा, ये किसका स्टेटमेंट है, रेमंड का, गिलफोर्ड का, भाटिया का, स्किनर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करता है जिनमें सिद्धांत से व्यवहार के लिए सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये जो स्टेटमेंट है वो रेमंड जी का है। अगला आपका प्रश्न, शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सभी, तो शिक्षण के सूत्र हैं। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर एक और नाम से भी जाना जाता है, अगर आप सभी को आता है तो बहुत बढ़िया, मैं बता दूँ, मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र के को मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के सूत्र हैं ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला 13 प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कठिनाइयों का निराकरण होता है, या ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स बताइए, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण के लाभ है, छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन देख सकते हो, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 जो प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, कर के सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी, तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, यहाँ पर करके सीखने का सिद्धांत भी हो जाता है, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ये सभी, तो शिक्षण प्रविधियाँ हैं, क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है कि शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, अतथा वह दोनों कोई नहीं, तो शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं। तो फ्रेंड्स शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं ऑप्शन नंबर बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ प्लस ब दोनों। अगला आपका प्रश्न है 17, पावलाओ ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, चूहे पर, भालू पर, हिरन पर, तो पावलाओ ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, पावलाओ ने अपना प्रयोग जो किया था वो डॉगी पर यानी कुत्ते पर ही किया था। 18 प्रश्न की, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे भली भांति समझ लेता है तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, संप्रेषण, कल्पना, स्मृति, ध्यान। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, यदि आप हमारे लैंग्वेज या हमारी जो भी हमारे मैसेज सूचना को समझ लेते हो, ठीक है, और उधर से आप फीडबैक भी देते हैं तो ये क्या होता है, संप्रेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी संप्रेषण।
19 प्रश्न है कि किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु यानी शिक्षण अधिगम के लिए दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है? यह स्टेटमेंट किसका है? बर्टन का, रायबर्न का, वर्टन का, जॉन ड्यूबी का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध, प्रोत्साहन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ, यानी बर्टन का। अगला आपका 21 प्रश्न है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रायबर्न, जॉन ड्यूबी, हर्बर्ट, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करती है, और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, रायबर्न का। अगला 22 आपका प्रश्न है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। गेज का, रायबर्न का, बर्टन का, जॉन ड्यूबी का? तो शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो गाइस, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला 23 प्रश्न है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों संबंध, ठीक है, यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मैकेंटियर तथा व्हाइट का, अरस्तु का, गेज का, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ये जो स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर मैकेंटियर तथा व्हाइट ने दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों को वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में भी सुगमता प्रदान करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है। यह स्टेटमेंट है विक्स का, रायबर्न का, अरस्तु का, जॉन ड्यूबी का? आंसर देखिए गया है। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया है वह विक्स ने दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये विक्स का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा, समूह कार्य द्वारा? तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, आसानी के साथ आंसर आप कर सकते हो। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कहानी द्वारा, सॉरी बी, कहानी द्वारा। अगला आपका प्रश्न है 26 की पर्यटन के प्रकार हैं संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो पर्यटन के प्रकार हैं, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, ये सभी इज द राइट आंसर। 27 प्रश्न है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं किंडरगार्टन पद्धति, डॉल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये सभी। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं, क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला आपका प्रश्न है कि वाद विवाद प्रविधि की खोज करता है हेरिये आवर स्ट्रीट, डॉल्टन, फॉरवेल, कोई नहीं। बिल्कुल सही, वाद विवाद प्रविधि की खोज करता है हेरिये आवर स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
29 प्रश्न के थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए? 3, 4, 5, 6। तो थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, दोनों को ही नहीं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूज का सिद्धांत जो है वो कॉलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। अगला जो आपका प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, गाय पर। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? यहाँ पर किया था बिल्ली पर। अगला आपका प्रश्न है कि प्रयत्न से त्रुटि का सिद्धांत दिया था कॉलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोई नहीं। आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को किस किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछता है। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉर्नडाइक का। उसके बाद देखिए 34 प्रश्न है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 4, 6। तो गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई हो जाएगा 3, यानी गतिविधि 3 प्रकार की होती है। 35 प्रश्न है कि गतिविधियों के श्रेणीकरण है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक सभी। तो फ्रेंड 35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी, यानी गतिविधियों के श्रेणीकरण है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक, ये सभी इज द राइट आंसर। भाषा की दक्षताएं हैं हिंदी में हमने कई बार डिस्कस किया, सुनना, बोलना, लिखना, ठीक है, पढ़ना भी हो जाएगा, यहाँ पर सभी इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये सभी। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। और आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन है कि सीखने में सहज संबंध को बताया है, ऑप्शन में भी दे देती हूँ पावलाव का, कोहलर का, थॉर्नडाइक का या फिर विक्स का, ये चार ऑप्शन है, आप इसका आंसर कीजिएगा। सीखने में सहज संबंध को बताया है, किसने बताया है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।